हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में जिस दीदी की बात करने वाला हूँ, इस दीदी के बारे में आप लोग सभी जान रहे हैं। ये वो दीदी हैं जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उनके पास दिव्य शक्ति भी है। कहने का मतलब जो शिव जी का जो मनका टूटा था ना पीके में, वो पीके से मिलके बाद दोबारा इन्हीं को मिल चुका है। उसके बाद बॉलीवुड में जितनी भी नंगी हवस जिसकी थंबनेल बनती है ना, वो इन्हीं के पास है। मतलब कि अल्ट जी, अल्ट बालाजी और उल्लू जितने भी वेब सीरीज आते हैं ना, उनको तो इनसे थंबनेल डालना सीखना चाहिए। इतनी अच्छी तो इन्होंने थंबनेल लिखी भाई, माय गॉड, मतलब कि खत्म। मैं जब ये बोल रहा हूं ना, दीदी हो दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, स्टिक खत्म कर देंगे मैम। आप जाके इनकी वीडियो पे जाके क्लिक करके देखिए, इनकी भी जितने रिसेंट वीडियो होंगे आप उस पर देखिए, हॉलीवुड फक, वार द फक, यही चल रहा है। मतलब कि इसके जो थंबनेल है वो देख के आप लोगों की, मतलब जिसकी ऑडियंस होगी इनकी 50% ऑडियंस तो इनकी यही होगी कि हवस की होगी। इससे तो इनकी जो थंबनेल होती है कहने के मतलब वीडियो पे मैं क्या कहूँगा वीडियो। और एक बात और, पठान सर की, मतलब हमारे शाहरुख सर की मूवी पठान, जो एक अभी तक मतलब हम लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिला, इस मूवी की इन्होंने जो टीजर है, ट्रेलर, इसका रिएक्शन कर दिया, रिव्यू दे दिया उन्होंने, ट्रेलर पोस्टर्स जो भी है सबका, हम लोग को अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला एक साल पहले। और 1+1 उसमें व्यू है, 1 मिलियन कुछ प्लस व्यू है उसमें। आप जरा सोचिए, मतलब ये दीदी क्या बेच रही हैं नाम पे, उधर जो थंबनेल के नाम पे, अपने रिव्यू के नाम में सेक्स बेच रही हैं, और इधर ये। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि एस्ट्रोलॉजर इसके पास दिव्य शक्ति है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट अभी अभी उन्होंने कुछ समय पहले, आप लोगों को पता होगा पुष्पा राइज वन, जो इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी है, इंडिया पाइन स्टार जो मूवी है, अभी इंडिया बेल्ट पे काफ़ी अच्छी रन कर रही है, उसकी मूवी की उन्होंने जो सेकेंड पार्ट है उसकी मूवी की जो स्टोरी वो रिवील कर दी भाई। मतलब कि सुकुमार सर इसीलिए बैठे थे कि कब ये दीदी आएंगी, ये बोलेंगे, हम लोग नोट करेंगे और फिल्म चेप देंगे। Oh my God! Wow! मतलब कि फिल्म चेपम चेप तो बॉलीवुड में चल रहा था, आप सोच रहे सुकुमार जो दीदी बोलेंगे उसे चेप देंगे, ऐसी तो ये दीदी हैं। कहने का मतलब ये दीदी ने प्रोस्पेक्टिव और जो एंगल रखा है उन्होंने फिल्म पे कि ये स्टोरी हो सकती है, वो सोचिए आप, वो अंडर कवर होंगे और लास्ट में वो बच के निकल जाएंगे और सबको, माफिया को खत्म करने के लिए वो अंडर कवर बनेंगे। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। ऐसा क्यों दीदी, मतलब आपके जाके KGF देखिए, जितने भी बैक मूवी होंगे उनको जाके देखिए, गैंगस्टर की माफिया है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता वो रोल पे, वो कुछ ही। और लास्ट में ये हो सकता है कि वो मतलब कि उनकी डेथ हो जाएगी, या लास्ट में क्लाइमेक्स में जो भी सीन होगा उसमें हो सकता है जो गुंडे होंगे नेगेटिव रोल में, और ये दोनों खत्म हो जाके ये सरेंडर कर देंगे, ये हो सकता है। या और ये प्रोसेस ही हो सकता है जो श्रीवल्ली हो या तो उनकी मॉम पुष्पा में जो बने अल्लू सर की, उनमें दोनों में से दोनों की मृत्यु या तो एक की मृत्यु इसलिए की जा सकती है कि फिल्म में थोड़ा इमोशन बेस आए और फिल्म थोड़ी से और ग्रीप पकड़े, और मतलब कि उसे एक मोटिव मिले उनसे लड़ने के लिए, ये हो सकता है। और जो बगावत सर बैठे हैं उतनी खुन्नस पे, वो क्या करेंगे मतलब नेक्स्ट पार्ट में, वो तो खुद पुलिसमैन है, वो क्या करेंगे मतलब बैठेंगे तो हमारे नेक्स्ट कर सकते हैं, तो बहुत बड़े मतलब कि पुलिस के सुपीरियर हैं, मतलब वो क्या करेंगे। उनको एंगल्स को भी देखिए, दोनों को तो टकराव होना इस मूवी में सेकंड पार्ट के, तो इसीलिए हम लोग फाजिल सर के इतनी बड़े फैन हैं जो उनकी नेगेटिव रोल के, इसीलिए तो वेट करें कि सेकंड पार्ट में कुछ तो हल्का होने वाला रहा। ये रिवील मतलब कुछ भी चेपम चेप कुछ भी चिपका दीजिएगा आप, अरे थंबनेल के नाम में तो बेच ही थे, मतलब कि आप कुछ भी स्टोरी के नाम में भी कुछ भी, थोड़ा शर्म कीजिए दीदी। और शर्म से ज़्यादा आपके सारी से आधे से ज़्यादा थंबनेल में तो यही होता है, थोड़ी शर्म करो, ये करो, वो करो, 5 झिमकाना फलाना। दीदी मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहूँगा दीदी, मतलब ऐसे वीडियो बनाने से पहले थोड़ा डरो, खुदा से डरो, चाचा से डरो, कुछ भी तो करो दीदी। वीडियो पे कुछ नहीं चाहूँगा दोस्तों, कुछ भी गलती होगा तो क्षमा कीजिएगा और मैं चलता